कहते हैं कि प्यार अंधा और बहरा होता है, जो भी इस दलदल में फंस जाए वह कभी बाहर नहीं आता है। पालघर में प्यार के दलदल में फंसे एक व्यक्ति को प्यार की कीमत अपनी जान गंवा कर चुकानी पड़ी है। पालघर के वीरेंद्र नगर में रहने वाले उसके 22 साल के सौतेले बेटे राहुल रिबन शर्मा ने ही पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। पालघर में हुई बेटे मनोज लाल सिंह सोलंकी की हत्या के बाद उसके मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। हत्या की घटना सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पालघर पुलिस ने हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अब वह जेल की हवा खा रहा है। यह घटना 5 मई के रात की बताई जा रही है। वहीं मृतक की मां का कहना है कि उसके बेटे की पालघर के खारीखुरन के रहने वाली एक लड़की से पहले शादी हुई थी। शादी के बाद दोनों में हुए विवाद के बाद दोनों अलग अलग रहने लगे थे। एक बार बीमार पड़ने पर उसका बेटा सिलवास के एक हॉस्पिटल में भर्ती था, तभी इस औरत के परिजन का एक व्यक्ति भी वहीं एडमिट था। वहीं दोनों की पहचान हुई और यह पहचान दोस्ती में बदल गई। करीब 5 सालों से पालघर के वीरेंद्र नगर में दोनों पति पत्नी बनकर साथ रहते थे, क्योंकि इस औरत का पति भी इसे छोड़कर दूसरी शादी कर लिया था। वहीं पालघर पुलिस के मुताबिक जांच में पता चला है कि मृतक लाल सिंह सोलंकी उम्र 40 साल नामक व्यक्ति आरोपी की मां के साथ कई सालों से अवैध संबंध था। वह महिला के साथ दूसरा पति बनकर उसके घर पर रहता था। इस बात से नाराज चल रहे आरोपी का उसके सौतेले बाप के साथ कई बार विवाद भी हो चुका था। 5 मई की रात में यह विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने घर के बाहर पत्थर से कुचलकर अपने सौतेले बाप मनोज सोलंकी को मौत के घाट उतार दिया। माझा मुलगा मनोज राजपूत, त्याचा गुरुवारी मर्डर झाला वीरेंद्र नगरमध्ये। त्याला न्याय पाहिजे त्यासाठी मी बोलत आहे। आज माझा जीव बोलतो, माझं तरुण मुलं मारलं गेलं तिच्या लाडी। ती मालती लढ्याची आमची ओळख झाली 2018 वलसाड हॉस्पिटलमध्ये, जेव्हा मी माझ्या मुलाचा हात फ्रॅक्चर झाला होता, ऑपरेशन करायला लागले। ती तिच्या बापाला घेऊन ॲडमिट झाली होती, तिच्या बापाचं ऑपरेशन होतं। असं करून पालघरचीच होती म्हणून ओळख झाली। मी तिला मुलीसारखी मानली, मला मदत करायची, मी एकटी होती म्हणून मी हे जा करायची, ती लक्ष द्यायची तिकडे म्हणून ओळख झाली। मी तिला मुलीसारखी मानली, मग माझा भावासारखं आहे तुझा, तिला 2 मुलं, 1 मुलगा 1 मुलगी म्हणून मी सांगितलं तुझ्या भावासारखा आहे हा, लक्ष ठेव। असं करून ओळख झाली। ऑपरेशन करून आम्ही घरी आले। घरी येऊन बोलचाल चालू होती, ये जा करायची, फोन करायची। आणि 4 मनोजची पहिली बायको सोडून गेलेली, जेव्हा ती यायला तयार झाली परत 6 महिन्यांनी, तेव्हा मग मी मनोजला सांगितलं तू तुझ्या बायकोबरोबर राहा। तू आले ती तेव्हा माझ्या मुलांनी मला सांगितलं का मी मालतीबरोबर प्रेम करतो, आमचं दोघांचं प्रेम आहे झालेलं आहे, मी माझ्या बायकोवर सोडणार आहे। मी त्याला भरपूर समजवलं, तिला समजवलं का तू भाऊ मानला होता न, तुझे मला धोका दिला, नाही सांगते आम्ही राहू, एकत्र राहू, आयुष्यभर राहू सांगते, प्रेम आहे आमचं। मग मी सोडून दिलं, मुलाचं प्रेम आहे तर काय करणार। असं करून त्याला ठीक आहे राहा तुम्ही मग एकत्र, पण आमच्या कुठल्याही फंक्शनला बिक्सायला तू बायकोला घेऊन नाही येऊ शकत। तरी त्याला मंजूर झालं आणि ते राहायला लागले। चला आनंदाने राहा, सुखाने राहा, काही तक्रार करू नाही यायला। असं करून 2019-18 त्यांचं प्रेम झालं। 2019 त्या मुलीचं लग्न झाल्यानंतर ते एकत्र राहिले। तिचा मुलगा घर सोडून निघून गेला का आईने दुसरं केलं म्हणून, तो एक बापाकडे जाऊन राहायला लागला। मग त्याच्या बापाने घेतलं त्याला जवळ, त्याचा बाप मागे राहतो। असं करून एवढे दिवस राहत होते चांगले। मनोज मला नेहमी फोन करायचा, मध्ये मध्ये त्यांची भांडणं व्हायची, ती सुद्धा मला सांगायचं असं झालं तसं झालं,
मसाला तुम्ही दोघं केने केले ना तसे तुम्ही निभोळा टिकवा ना। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहे अपडेट।